सत्यमेव जयते 2 मूवी के दूसरे सॉन्ग का टीजर हुआ आउट। इस दिन किया जाएगा ये सॉन्ग रिलीज, जानिए पूरी अपडेट इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के हैंडसम हंक जॉन अब्राहम की मच वेटेड मूवी सत्यमेव जयते 2 जिसे अब रिलीज किया जाना है 25 नवंबर 2021 को, जिसमे हमें जॉन अब्राहम एक नहीं दो नहीं बल्कि ट्रिपल रोल में नजर आएंगे। जैसा कि हाल ही में इस मूवी का एक जबरदस्त एक्शन से भरपूर ट्रेलर भी रिलीज किया गया था, जहां जॉन अब्राहम कुछ एक्शन और स्टंट से भरे सीन के साथ ट्रिपल भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें दिव्या कोशला कुमार भी उनका साथ देते हुए नजर आ रही थी। ट्रेलर में जॉन को अन्याय, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने के मिशन को इस मूवी में दिखाया गया है। तो वहीं हाल ही में इस मूवी का फर्स्ट सॉन्ग भी रिलीज कर दिया गया है, मेरी जिंदगी है तू, जिसमें हमें इस मूवी के दोनों कलाकारों की झलक देखने को मिल रही है, जॉन अब्राहम और दिव्या कोशला कुमार, जहां दिव्या बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस सॉन्ग को मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल ने गाया है, जो कि ये सॉन्ग सभी को खूब पसंद भी आ रहा है। तो वहीं अब जल्द इस मूवी का दूसरा सॉन्ग भी आउट होने वाला है, जिस सॉन्ग का टाइटल होगा लहंगा 2.0। जी हां दोस्तों, इस मूवी में मशहूर सिंगर जसमानक का ब्लॉकबस्टर सॉन्ग लहंगा का रिक्रिएट वर्जन हमें सुनने और देखने को मिलने वाला है, जिसे जसमानक और जारा खान ने मिलकर गाया है। बताते चले दोस्तों कि जसमानक का ओरिजिनल सॉन्ग लहंगा 1.3 बिलियन व्यूज हासिल कर लिया है, जहां हमें इस सॉन्ग में जसमानक के साथ माहिरा शर्मा नजर आई थी, तो वहीं अब इस सॉन्ग में जॉन अब्राहम के साथ दिव्या कोशला कुमार नजर आएंगी। इस सॉन्ग के शूट से कुछ फोटो और वीडियोस भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुए थे, तो वहीं अब ये सॉन्ग हमें बहुत ही जल्द देखने और सुनने को मिलने वाला है। तो वहीं आज के दिन इस सॉन्ग के टीजर के जरिए इस सॉन्ग की रिलीज डेट भी फिक्स कर दी गई है, जो है 5 नवंबर। जी हां दोस्तों, ये सॉन्ग हमें 5 नवंबर को देखने को मिल जाएगा टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड है लहंगा 2.0 को सुनने और देखने के लिए, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे चटपटे गॉसिप न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल गॉसिप वाला को सब्सक्राइब भी कर लें।